जब मैंने खून भी किए दो दो तीन तीन मुझे बड़ा मजा आया ऐसे यू नो गोली मारते हुए और खून करते हुए नेगेटिव लीड है मैं कर या नहीं कर पाऊंगी बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग में लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं एज एन एक्टर आई ऑलवेज वॉन्टेड अ चेंज क्योंकि जब आप एक किरदार टेलीविजन में प्ले कर लेते हो तो लोगों को यही लगता है यू नो यू आर वेरी गुड एंड सर्टन किरदार बट uh, मैं चाहती थी कि मैं वेरिएशन्स दूँ अपने काम में और ऑब्वियसली एज एन एक्टर आई शुड वर्क एंड प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स सो वेन शाइना केम टू मी एज लाइक नेगेटिव लीड है मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग में उससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये था कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं बिकॉज माइथो uh, प्ले करने के बाद माइथो इज़ नॉट लाइक देवी सोप वाली बहू जी जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन जब आप देवी से एक्सट्रीम यू नो नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हो एक्सट्रीम नेगेटिव पे पहुँच जाते हो तो वो थोड़ा सा ना डाइसी हो जाता है इनिशियली uh, थाट्स में कि क्या होगा लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे बट यू नो हज़ बी रियली फॉर्चुनेट कि मुझे मेरी जनताओं ने मेरी ऑडियंसेस ने इतना पसंद किया और uh, जब मैंने खून भी किए दो 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 तीन तीन <laughs> मुझे बड़ा मज़ा आया ऐसे यू नो गोली मारते हुए और खून करते हुए तो आई फील रियली यू नो फॉर्चुनेट कि मुझे लोगों ने काफ़ी पसंद किया मेरे किरदार में और नाउ आई एम लुकिंग फॉर्वर्ड अब मुझे ही पता चल चुका है कि यू नो आई हैव दिस मेरे लिए ये दरवाज़ा खुला हुआ है कि मैं मुझे आगे की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी विच इज़ नॉट ओनली दे बट देन यू नो अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो टू प्ले सी मेरे पास फर्स्ट वर्स की पॉजिटिव ही मैं करती हुई आई हूँ एंड लाइक हाउ आई सेड कि एज एन एक्टर मुझे वैराइटीज़ अपने काम में दे चाहिए और दिखानी भी है कि जब मैं कुछ प्ले करूँ तो मुझे भी मज़ा आए कुछ प्ले करने में तो uh, मैं चाह रही हूँ कि अभी मैंने नेगेटिव किया फिर वापस पॉजिटिव नेगेटिव तो मुझे भी वेरिएशंस चाहिए नहीं तो वो मॉनिटर नहीं हो जाती है और फिर वो आपको ही मज़ा नहीं आएगा सामने वाले को आएगा देखने में बट यू नो एज एन एक्टर यू शुड ऑल्सो इन्जॉय वॉट यू डूइंग सो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि हाँ यार अभी ये इसका टाइम आ गया है इनिशियली <laughs> मुझे काफ़ी नर्वसनेस uh, uh, थी इनिशियली कि कैसे होगा क्या होगा लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं इस कैरेक्टर में बिकॉज उनके लिए तो मैं देवी हो गई थी hmm. एक तरह से और uh, Uh, थोड़ा सा मुझे ताकि यू you नो know, एकदम से क्योंकि बोलते हैं ना जब आप इक्कीस दिन कोई भी एक काम करते हो तो आप यूज़ टू हो जाते हो उस चीज़ के लिए इसलिए बोलते हैं कि कोई भी अगर आपको मैनीफेस्ट uh, करना हो या फिर अगर आपको कोई भी अपने अंदर एक आदत डालनी हो वो रनिंग की हो सकती है वो रीडिंग की हो सकती है या फिर सुबह छः बजे उठने की हो सकती है यू नो फॉर सर्टेन पीपल और uh, तो आप 21 दिन तक एक ही चीज़ आप जब करोगे परफॉर्म uh, तो वो आपके जहन में आ जाती है तो जब जब मैंने कंटिन्यूसली माइथोस किए तो वो मेरे जहन में आ गया था कि जब कैमरा सामने आएगा तो मेरे अंदर से पॉजिटिव ही निकलने वाला है mm. तो उसके लिए मैंने काफ़ी पीछे मेरा बैक चला था प्लस जो हमारे डायरेक्टर हैं अफजल सर ही वॉज़ वेरी हेल्पफुल कि यू नो हाउ टू प्ले दिस कैरेक्टर और uh, Uh, मुझे ऑब्वियसली यू नो इट्स अ टीम वर्क वेन एन एक्टर जब आपके सामने स्क्रीन पर आता है तो ये पूरा टीम वर्क होता है इट्स नॉट ओनली एक्टर इज़ परफॉर्मिंग इज अ कम्प्लीट टीम वर्क आपके पास स्क्रिप्ट वैसी लिख कर आती है फिर आप उस पर काम करते हो फिर आपको वैसा अटायर दिया जाता है तो इट्स ऑल अ टीम वर्क फिर उसके बाद आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज आप ऑलरेडी आप आप एक्टर हो uh, आपका काम ही वही है तो मुझे पता है कि मेरा काम क्या है और एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि जिसने जैसे लिखा है उसको उसी तरह से कैसे परफॉर्म किया जाए तो उसके लिए गाइडेंस लगती है कि किस तरह से आपका क्रिएटिव डिस्कशन चला था एंड देन यू नो एक्टर को पता होना चाहिए दैट्स इट मुझे लगता है देन थोड़ा सा एक्टर के लिए परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा सॉर्टेड हो जाता है अदरवाइज मेरे माइंड में था कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज काफ़ी एक्सट्रीम टर्न था ये मेरे लिए और ये मेरे लिए ज़रूरी बहुत था बिकॉज uh, मुझे चेंज चाहिए था अपनी लाइफ चेहिए. में एज एन एक्टर लाइक हाउ हेज एट वेरिएशन्स तो जब तक मैं वेराइटी नहीं दूँगी मुझे भी पता नहीं चलेगा कि मेरी रेंज क्या है सो इट वॉज़ फॉर मी आई आई टुक दैट कॉल मैं माइथोज नहीं छोड़ा है मैंने इट इज़ इट इज़ माई वर्क जो मेरे पास में आएगा और इफ़ आई फील कि यार मुझे करना चाहिए मुझे जो फीम मिली है जो मुझे लोगों का प्यार मिला है वो मुझे माइथो से ही yeah. मिला है तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती वो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है सेकेंड uh, मैं वेराइटीज़ चाहती हूँ अपने काम में कि अब मैं ये भी कर सकती हूँ मैं ये भी कर सकती हूँ मैं ये किरदार भी प्ले कर सक खून भी कर सकती हूँ और लोगों को बचा भी सकती हूँ सो लाइक हाउ वी यूज़ टू वॉच अमिताभ बच्चन की मूवीज़ हो गई या शाहरुख खान की मूवीज़ हो गई कि वो मारते भी हैं और बचाते भी हैं हर हर पिक्चर में उनका अलग अलग कैरेक्टर है तो वे वेरिएशन्स हो गए एक एक्टर की लाइफ में आ, वैसे टी में बिकॉज इट्स इट इज़ अ फैमिली ऑडियंसिस तो आप कनेक्ट हो जाते हो बहुत जल्दी उससे तो लाइक हाउ आई सेड कि ये मेरे लिए माइथो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना मेरे लिए अदर कैरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं या फिर अदर लीज इम्पॉर्टेंट हैं तो मैं छोड़ने वाली कुछ भी नहीं हूँ सब तो मैंने पकड़ के रखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन uh, अभी फ़िलहाल मैं चाहती हूँ वेरिएशन आ जाएँ ताकि मेरे लिए आगे के रास्ते खुल जाएँ और uh, उस तरह के किरदार मेरे लिए लिखे जाएँ जो uh, हर रेंज को क्रॉस करते हैं मैं चाहती हूँ कि एज़ मदिराक्षी भी मुझे देखा जाए सो इफ समथिंग इज़ कमिंग टू मी इट्स मोस्ट वेलकम आई लव बिग बॉस एंड डांस शोज भी मुझे बहुत पसंद है बिकॉज फिफ्टी सिक्सटी परसेंट मैं अच्छा डांस कर लेती हूँ सो या मैन अगर मुझे मौका मिलेगा तो आई वुड बी लाइक सबसे पहले जो के मुझे ले लो ये नहीं फाइनल तक भी आई थी बातें बट बात फिर उसके बाद यू you नो know, जब बिग बॉस चाहेंगे तभी मैं पहुँचूँगी <laughs> उनका घर है बिग बॉस का घर है सी आई एव बीन वेरी लकी इन दिस कि मुझे अभी तक इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा है तो शायद मैं कॉमेंट कुछ भी करूँगी तो इट विल नॉट बी यू नो वेरी मच ठीक ऑन इट तो बट हाँ नॉम्स जो चेंज किए हुए हैं हो सकता है कि प्रोड्यूसर्स का वैसा एक्सपीरियंस रहा हो कि उनको ये स्टेप इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा और एक्टर्स के लिए भी एट द सेम टाइम अभी भी काफ़ी सारे केसेस मैंने भी सुने हैं वन ऑफ़ आर फ्रेंड करिश्मा फॉर कृष्णा हाँ तो उसका भी मैंने पोस्ट देखा वन ऑफ आर कलीग कृष्णा उसका पोज yes. देखा तो आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट कि इसको पाँच महीने की पेमेंट्स नहीं मिली है शी इज बीन हरेज आई हॉप दैट आई हॉप दैट देन यू नो आई टेक्सट और ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो की होप योर वेल सी बट देन इसके लिए भी करेज चाहिए ये लिखने के लिए एज एन एक्टर आपको बहुत करेज चाहिए क्योंकि क्या होता है आपका काम उसके बाद डिपेंड करता है mm -hmm. कि आपको फिर आगे प्रोड्यूसर्स काम दें नहीं दें या फिर आपका करियर आगे कैसे शेप करेगा क्योंकि एक्टर को इतना फूक फूँक कर कदम रखना पड़ता है कि आप अगर आपके साथ कुछ हो भी रहा है तो आप बोलोगे नहीं जहाँ पर आपने बोला तो शायद हो सकता है कि आँखें का करियर आपका काफ़ी यू नो डाइसी हो जाए तो अगर उसने कुछ लिखा है ऐसा या वो अगर ऊपर ये बोलते हुए आइए तो कुछ बात हो सकती है एंड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू उनके शायद कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे विद यू नो सर्टन पीपल कि उनको ये आ, ऐसे नॉर्म्स डालने पड़ गए होंगे कि यू you नो know, आप, आप ये नहीं कर सकते आप अफेयर नहीं कर सकते आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते आपको यू you नो know, इस तरह से जबकि ऑलरेडी वैन वी साइन अ शो नहीं नहीं तो नहीं फिफ्टी वन पेज के तो अग्रीमेंट्स होते ही होते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं कि यू नो यू हैव टू बी ऑन टाइम एंड देन वेरी नॉर्मल अग्रीमेंट में क्लॉजेज वेरी नॉर्मल क्लॉजेज बट अभी थोड़ा एक्सट्रीम हो गया है मे बी बिकॉज ऑफ यू नो द इमिडियट रिएक्शंस ऑफ द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स बोथ द साइड्स और कभी कभी सेट पर ये भी होता है प्रोड्यूसर्स को पता ही नहीं होता है लाइक like, जो अभी चल रहा था कृष्णा का प्रोड्यूसर्स को पता भी नहीं होता क्योंकि ये इट इज़ बिटवीन ई पी एंड द एक्टर हम प्रोड्यूसर्स से डे टू डे बेसिस पर डील नहीं करते हैं hmm. ये डे टू डे बेस पर हमारा सिर्फ ई पी के साथ में या प्रोडक्शन में जो होते हैं ऑन सेट उनके साथ ही हमारी डीलिंग होती है तो वन टू वन में क्या हुआ होगा यू नेवर नो दैट वे मेरा एक्चुअली एम वेरी फन लविंग गर्ल एंड आई वेरी यू नो मिक्सअप गर्ल विद एवरी बडी मुझे मुझे इंसान बहुत पसंद है लोग पसंद है दोस्तियाँ करना पसंद है तो मैं जहाँ जाती हूँ मेरी दोस्ती अपने आप हो जाती है तो इट्स लाइक आई आई यू नो मेक फन विद एवरी मेरी दोस्ती भी सबसे होती है सबसे सबसे जेलिंग होती है सो वैन वी सिट ऑल्सो सबके साथ एंड आई सेट वन टू वन ऑल्सो सबके साथ मैं अपने सभी फैन से कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव care support and uh, all the messages you've been sending me on you know social media platform uh, thank you so much once again and keep on showering your love and your support